हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके पीसीएस, एसएससी, सुपर टेट आदि एग्जामों में आपकी मदद करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, सीबीआई, एक्सिस बैंक। दोस्तों, स्विगी ने कस्टमर के बीच अपने पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, उसी के बारे में एक क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर होगा आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक। इसका उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? आपके ऑप्शन है ईरान, रूस, पाकिस्तान, नेपाल। दोस्तों, उत्तर होगा इसका ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस, वियतनाम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आसियान 10 दक्षिण एशियाई पूर्व देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका गठन सर्वप्रथम 8 अगस्त 1967 को हुआ था और इसके सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन, शशि शेखर, के वेणुगोपाल, आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, पीसी महालनोबिस भारत के बहुत बड़े सांख्यिकी वैज्ञानिक थे। इनका आर्थिक योजना और आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी रंगराजन, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ही इंडिया का सबसे प्रथम प्लाज्मा का सफल ऑपरेशन किया गया था जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने स्किल
कनेक्ट फॉरम लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड 19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दी है? इसका उत्तर हो दोस्तों डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। दोस्तों अटॉर्नी जनरल संसद के कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसका दोस्तों उत्तर होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? आपके ऑप्शन है जापान, नेपाल, रूस, पाकिस्तान। इसका उत्तर होगा दोस्तों जापान। जापान ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि चीन कोरिया से संबंधित अहम मुद्दों पर दक्षिण कोरिया G7 के देशों से अलग राय रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारत समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली पहले से ही शामिल है। इसमें एशिया महाद्वीप से जापान एकमात्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 जनवरी, 29 जून, 5 सितंबर। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है और यह महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस साहब के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, जिनका भारत के आर्थिक योजना में उल्लेखनीय योगदान है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 29 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल मंत्री लॉन्च किया है नाडा ऐप, कीड़ा ऐप, खेलो ऐप, हेलो ऐप। इसका दोस्तों उत्तर होगा नाडा ऐप, जो कि डोपिंग से संबंधित जानकारी खिलाड़ियों को अवेलेबल कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? आपके ऑप्शन है 4.3%, 5.3%, 6.3%, 5.9%। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरिहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका दोस्तों उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
केंद्र सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है तुषार मेहता, के वेणुगोपाल, सी रंगराजन, नितिन मेनन। इसका उत्तर होगा दोस्तों तुषार मेहता।